पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने हत्या के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दी। उन्होंने गुरुवार को मूसेवाला के पिता से मुलाकात की। गायक की रविवार को जवाहर के गांव में हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। शेखावत ने बताया कि मूसेवाला के परिवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने गायक की हत्या के मामले में जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की। मूसेवाला का मंगलवार को पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मौत के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड ने गायक की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बुधवार को पंजाब कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग की अगुवाई में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की थी। पार्टी ने पुरोहित को राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी। साथ ही नेताओं ने मूसेवाला की मौत के कत्ल की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की। भाषा के अनुसार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने किया। अन्य सदस्यों में पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पार्टी के राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु, राजकुमार चब्बेवाल, सुखजिंदर सिंह रंधावा और बलबीर सिंह सिद्धू आदि शामिल थे।